बट इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन के बारे में देखना होगा कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, मतलब कि अभी जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे नए ऑर्गेनिज्म का सेम स्पीसीज में बन जाना, उनको उसको बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद में द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो इंश्योर करती है किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की लाइफ को अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्यों जरूरी है और रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन होता कितने तरीके से है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखते हैं। देखिए, दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, नाम में ही आ रहा है एसेक्सुअल, जिसके अंदर सेक्स सेल्स पार्टिसिपेट ना करें। अभी सेक्स सेल्स क्या होती हैं, सेक्स सेल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो याद रखना है जो स्पर्म होता है, जो ओवम होता है, जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सेक्स सेल्स होती हैं, स्पर्म मेल के अंदर होता है इसको मेल सेक्स सेल्स बोलते हैं, ओवम फीमेल के अंदर होता है इसलिए इसको फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर इन सेक्स सेल्स की ज़रूरत ही ना पड़े, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये कैसे होता है, कितने तरीके का होता है। उसके बाद होता है सेक्सुअल, जिसमें इनकी ज़रूरत पड़े, सेक्स सेल्स की ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होना किसी एक सिंगल पेरेंट से। सिंगल पेरेंट मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल दो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही आपका ऑर्गेनिज्म अगले जनरेशन को पैदा कर देगा विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। यहाँ पे सेक्स सेल्स भी नहीं चाहिए, उसको ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो आई होप यू रिमेंबर द पॉइंट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे छह तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, छह तरीके में हो सकते हैं एसेक्सुअल। पहला होता है फीजन, दूसरा होता है बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और आपका फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो एक एक को हम देखेंगे डिटेल में। फीजन का मतलब क्या होता है, बडिंग का मतलब क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन का मतलब, रीजनरेशन का मतलब, फ्रेगमेंटेशन का मतलब, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब। तो शुरू करते हैं फीजन से। देखिए, फीजन का मतलब होता है अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को डिवाइड कर ले, या तो एक दो में या फिर दो से ज़्यादा पार्ट में, तो उसको बोलते हैं फीजन। अब फीजन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाइनरी फीजन, बाइनरी मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करना इन टू फॉर्म ऑफ टू न्यू ऑर्गेनिज्म, इज टू न्यू ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बाइनरी फीजन। अगर मल्टीपल फीजन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं मल्टीपल फीजन। तो फीजन का मतलब हुआ टूट जाना। अब मल्टीपल मतलब मल्टीपल पार्ट्स में टूट जाना सिंगल ऑर्गेनिज्म का, और बाइनरी मतलब बाई मतलब टू, टू पार्ट्स में टूट जाना किसी एक ऑर्गेनिज्म का। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका हाइड्रा, ये आपका हाइड्रा है, हाइड्रा अपनी बॉडी से ही एक और हाइड्रा को पैदा कर सकता है। कैसे, उसकी बॉडी में से एक छोटा सा पार्ट निकलेगा और वो फिर ग्रो करेगा, और इस छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, BUD, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। इस तरीके से ये इन्वॉल्व होगा, मतलब कि बढ़ेगा, उसके बाद ये यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद में ये सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से, और दिस इज कॉल्ड द बडिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बडिंग। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है बॉडी का, वो पेरेंट्स के ऑर्गेनिज्म से खुद ग्रो होता है और वो नए बेबी की फॉर्म में, मतलब कि न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये किस में होता है, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, अपनी बॉडी से नया जनरेशन पैदा करना। उसके बाद आता है तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, अब स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा ये जो एक पार्ट देख पा रहे हो, ये सिंगल पार्ट को हम स्पोर बोलते हैं, अगर मैं इसको अलग बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्पोर। ओके, अब स्पोर के अंदर ये एक ऊपर आप देख पा रहे हो,
ये आपका माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, ये आपकी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं जो कि इसके अंदर बंधी हुई होती हैं। पकने के बाद में मतलब मैच्योर होने के बाद में ये बस्ट होता है, ये इस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे हो, इस तरीके से ब्रेक होता है, इस तरीके से ब्रेक होता है और छोटे 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 स्पोर्ट्स बोलते हैं इनको, ये स्पोर्ट्स निकलते हैं। निकलने के बाद में ये आपके किसी भी जगह पे जहाँ पे इनको वो कंडीशन मिलती है जहाँ पे ये ग्रो कर सके वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और फिर वापस अगेन यहाँ पे स्पोर्ट्स फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे कोई भी मतलब दो मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो स्पोर फॉर्मेशन होता किस में, ब्रेड की जो फंगस आपने देखी होगी वो स्पोर फॉर्मेशन की वजह से ही बनती है। चौथा आप देख सकते हो रीजनरेशन। रीजनरेशन कौन करता है, आपका प्लेनेरिया रीजनरेट होता है। कैसे होता है, प्लेनेरिया इज अ सिंगल सेल ओके, और ये अपने बॉडी को तीन पार्ट में तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद में अपने आप को एक जिस पार्ट को तोड़ा है वो उसका रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, ग्रो होता है और ये इस तरीके से चेंज हो जाता है। ये ग्रो हुआ इस तरीके से चेंज हुआ, ये ग्रो हुआ ये इस तरीके से चेंज हुआ। तो मतलब कि एक बॉडी पार्ट को तोड़ लेना और फिर दोबारा से जो पार्ट बॉडी पार्ट के अंदर नहीं है वो अपने आप डेवलप हो जाना, इसको रीजनरेशन बोलता है। ये सिंगल सेलुलर होता है और प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है, याद रखना प्लेनेरिया। इसके बाद में ये अगर यही चीज़ अगर किस में हो, मल्टी सेलुलर में हो, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब यही चीज़ प्लेनेरिया के साथ हो रही थी, यही चीज़ अगर आपकी मल्टी सेलुलर में के अंदर होगी जो कि स्पायरोगायरा है तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सेम ही चीज़ है, ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है दो तीन जगह से और दोबारा से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है, बढ़ा लेता है। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बुकिश लैंग्वेज में आपको मैंने लिख के दिया हुआ है, ऑलरेडी आप पढ़ सकते हो। तो स्पायरोगायरा इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ये नाम याद रखना जिसके ऊपर मैं बॉक्स बना रहा हूँ। उसके बाद जो छठा मेथड आता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए वेजिटेटिव का मतलब होता है कि आपके प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जो वेजिटेबल की फॉर्म में आता है या फिर ऐसे पार्ट्स जो कि सीड की फॉर्म में नहीं आते हैं उनसे नया पेड़ उग जाए, नया प्लांट उग जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि हम एक जो गुलाब का फूल जिसमें आता है रोज़ जो आता है, रोज़ का जो प्लांट होता है उसकी अगर डाली को तोड़ दे, मनी प्लांट का जो प्लांट आता है उसको अगर तोड़ के हम कहीं पर भी लगा दे तो वो नया प्लांट उगा लेता है अपनी मतलब कि बिना बीज के। तो वही चीज़ है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है कि लीफ आपका आपका स्टेम इनसे नए पेड़ का आ जाना, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एक सिंगल पेरेंट ने ही उगा दिया। तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो इमेज दी हुई है वो है आपकी ब्रायोफिलम की ओके, ब्रायोफाइलम बोलते हैं इसको। और ब्रायोफाइलम लुक लाइक दिस, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप लीफ को दबा दोगे मिट्टी के अंदर तो यहाँ से एक नया पेड़ आ जाएगा ठीक है, और यहाँ इससे भी एक नया प्लांट आ जाएगा। तो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपके पास में जो प्लांट्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली कैसे हम उगा सकते हैं बिना बीज की मदद के, बिना सीड की मदद के। तो उसी उन्हीं प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। पहला जो मेथड है वो होता है कटिंग। क्या होता है इसमें, एक प्लांट का कोई भी पार्ट आप कट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेम कट कर लिया ब्लेड से और उसको उगा दिया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोज़ का कि आप जो रोज़ का प्लांट होता है उसकी सिर्फ स्टेम को तोड़ के कहीं पे उगा दो तो वो ग्रो होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं कटिंग। ये भी एक आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का मेथड है कटिंग। दूसरा मेथड है आपका लेयरिंग। अब लेयरिंग का मतलब क्या होता है, लेयरिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपने प्लांट लगाया, प्लांट की जो स्टेम होती है वो सॉइल से जैसे टच करेगी तो नया प्लांट यहाँ पे उगना स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस को फिर आगे जहाँ पे टच करेगी वहाँ पे एक नया प्लांट आना स्टार्ट हो जाएगा, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। तो ये भी एक नए प्लांट आने का बिना बीज के एक तरीका है, तो इसलिए ये भी आपके आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में आता है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास में कोई एक प्लांट था, मान लो आपके पास में एक नींबू का पेड़ है और एक आपके पास में यहाँ पे संतरे का मतलब ऑरेंज का है। अब दोनों सेम सेम स्पीसीज के, दोनों सेम सेम फाइलम के हैं। अब क्या करना है मुझे कि नींबू के पेड़ में मुझे लेमन भी मतलब ऑरेंज भी उगाने हैं, या फिर बोल दो ऑरेंज के पेड़ में अब मुझे लेमन भी लगाने हैं ठीक है। तो कैसे लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि ये आपका मान लो ऑरेंज का पेड़ था, इसमें यहाँ पे मैंने नींबू के डाली ला के स्टेम ला के यहाँ पे लगा दिया है, उसको बांध दिया है। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा होगा वो तो आपका ऑरेंज प्रोड्यूस करेगा और ये जो हिस्सा होगा वो लेमन प्रोड्यूस करेगा। तो याद रखना
कि अगर मैं दो अलग अलग प्लांट्स को काट के एक साथ लगा के उनको बांध दूँ तो उनके अंदर दोनों के दोनों करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एक ही प्लांट में दो दो तीन तीन तरीके के आपके रोजेस आते हैं। एक ही प्लांट के अंदर आपने देखा होगा कि एक ही प्लांट के अंदर ब्लैक कलर का, वाइट कलर का और रेड कलर का रोज ग्रो करता है, तो इसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। उसके बाद में इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेशन। इसका जो पहला फॉरमोस्ट एडवांटेज है वो है कि हमें न्यू टाइप के प्लांट्स प्रोड्यूस होके मिलते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि टाइम रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि एक बीज से आप नींबू का पेड़ लगाओगे फिर वो बहुत दिन में जाके उगेगा फिर लेमन देगा। इससे अच्छा है कि आप ऑरेंज का पेड़ आपके पास में नींबू के पेड़ की सिर्फ डाली लेके आओ और आपको बहुत कम टाइम में आपको लेमन भी मिलने लग जाएंगे। उसके बाद में आपको केयर नहीं करनी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में वी कैन गेट सीड्स, सीडलेस प्लांट, मतलब हमें एक ऐसा प्लांट मिल जाएगा जिसके अंदर बीज की ज़रूरत नहीं है, बीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदे इसके होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक और होता है जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी एक आर्टिफिशियल तरीका होता है प्लांट्स को उगाने का। इसमें क्या होता है, एक लीफ को लिया जाता है, एक पत्ते को लिया आपने, एक लीफ को लिया, उस लीफ के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ को लैब में ले जाके सेपरेट कर लिया जाता है और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जिस एनवायरनमेंट में वो रह के अपने नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं, मतलब एक टिश्यू की मदद से, प्लांट के टिश्यू की मदद से नया प्लांट पैदा करना, इसको बोलता है टिश्यू कल्चर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो हो गया सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन, दो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको सेक्स सेल्स बोलते हैं, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से ही होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वो दोनों सेक्स सेल्स, एक मेल सेक्स सेल होता है, एक फीमेल सेक्स सेल होता है। मेल सेक्स सेल को हम स्पर्म बोल देते हैं और ह्यूमंस के अंदर, और फीमेल सेक्स सेल को एग्स बोल देते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेक्स सेल्स आर कॉमनली नोन एज, ओके, सेक्स सेल्स को हम मेल सेक्स सेल की जगह मेल गैमेट्स भी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इनको जैमेट्स भी बोलते हैं, फीमेल जैमेट्स भी बोलते हैं। तो आपको जो बोलना है इसको बोलिए, लेकिन बस बेसिकली मेरे समझाने का मतलब ये है कि दो तरीके के मेल और फीमेल मिलके जो रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, समझ आ गया। अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो दोनों के दोनों मेल फीमेल को, दोनों को फ्यूज़ कर दो सेल्स को, तो एक चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। जब आपका एक मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल से फ्यूज़ हो जाता है तो एक चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होता है और बेबी बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा, पहले प्लांट्स के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फिर एनिमल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, देखिए मैंने अभी आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया, उसमें मैक्सिमम प्लांट्स भी हमने देखने को मिला। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर नहीं होता है ना, तो द फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी आपके ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, ये याद रखना। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वही सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। द सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट इज बेसिकली फ्लावर। जो फ्लावर होता है वही एक सेक्स ऑर्गन है आपके प्लांट का। कोई भी क्वेश्चन में ऐसे पूछा सकता है कि प्लांट के अंदर कौन सा हिस्सा है जो एक सेक्स ऑर्गन है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर पाता है, तो फ्लावर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन द मोस्ट केसेस, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगे, मतलब कि वहीं आपको मेल रिप्रोडक्टिव, अभी देखेंगे अभी लेक्चर में थोड़ा सा, कि मेल भी उसी फ्लावर के अंदर मिलेगा और फीमेल भी। अब कुछ हम इसको बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं, जो मेल और फीमेल अगर एक ही फ्लावर के अंदर मिलते हैं तो बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, तो हम इमेज से समझते हैं इसको। ये आपका है फ्लावर, इसको मैंने काट दिया है, ठीक है। फ्लावर के अंदर जो जो हिस्से होते हैं वो देखते हैं, बीच में एक ऐसा आपने देखा होगा, ये जो हिस्सा देख पा रहे हो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर ही बीज बनता है, मतलब कि जो आप बोल सकते हो सीड प्रोड्यूस इसी पार्ट के अंदर होता है। और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, दिस इज द मेल, ये भी मेल, ये सारे जो देख पा रहे हो ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब फीमेल को डिटेल में देखेंगे, मेल को डिटेल में देखेंगे।
फीमेल वाले को मिला के आप पिस्टिल बोलते हो, PISTIL, और इसके तीन पार्ट होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को आप स्टिग्मा बोलते हो, बीच वाले इस पार्ट को आप स्टाइल बोलते हो, नीचे वाले इस गोले को आप बोलते हो क्या, ओवरी। तो ये तीन पार्ट्स में आप इसको याद रखोगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, ये फीमेल का हो गया। अब आते हैं मेल पे। मेल का जो पार्ट होता है ऊपर वाला, जो ये हिस्सा देख पा रहे हो जिसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स, जैसे ह्यूमंस के अंदर स्पर्म होते हैं वैसे ही प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो होते हैं ऐसे छोटे 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 पोलन ग्रेन्स होते हैं। इनको हम, जो पोलन ग्रेन्स को कंटेन करते हैं उनको हम एंथर बोलते हैं, ANTHER, एंथर। ओके, और जो नीचे वाला जो ये हिस्सा आप देख पा रहे हो इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है, फिलामेंट। ऊपर वाले को एंथर बोलते हैं। और जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की उनको हम पेटल बोलते हैं, PETAL। ओके, और पंखुड़ियाँ हो गई, पंखुड़ियों के नीचे आपने ऐसा देखा होगा एक ग्रीन कलर का पत्ता होता है जिसको हम सेपल बोलते हैं, और जहाँ पे बीज बनता है इसको हम ओव्यूल बोलते हैं या ओवरी बोल दो, बात तो एक ही है। और जिस पे फूल टिका होता है या फिर प्लांट से बंधा होता है इसको हम स्टॉक बोलते हैं, STALK, स्टॉक, ठीक है। तो ये आपके पार्ट्स हो गए, डिटेल में आपको याद रखना है। ये मेल होता है, ये बीच वाला फीमेल होता है। अब ये कैसे एक दूसरे से मतलब कैसे सीड बनता है वो देखते हैं। स्टेप ऑफ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है, देखिए फिगर से समझते हैं पॉलिनेशन का मतलब। मैंने आपको बताया अभी कि एंथर के अंदर छोटे 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 ग्रेन्स होते हैं जिनको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। जैसे ही हवा चलती है या कोई भी इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कहाँ पर आ जाता है, इस स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है जो कि फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। किसी भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के ऊपर आना ही पॉलिनेशन कहलाता है। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्सिमम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन अगर जिसके अंदर से फीमेल हो तो दूसरे से आएगा पोलन ग्रेन, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और खुद से आए तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये आपको बस इतना याद रखना है। तो पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। अब आगे बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो आपका पोलन ग्रेन आया उसका ओवरी में जाके ओवम से मिल जाना। इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू द फॉर्म ऑफ सीड्स। ओके, फर्टिलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है जब मेल गैमेट, आपका मेल गैमेट कौन था, आपका ऊपर हमने देखा पोलन जो थे एंथर के अंदर वो मेल स्पर्म की तरह काम करते हैं, फीमेल सेक्स सेल से मिल जाते हैं जो कि आपके यहाँ पे होता है ओवम के अंदर, इस ओवम से मिल जाता है। इस प्रोसेस को, मेल और फीमेल के सेल्स को मिलने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कैसे मिलता है, जैसे यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन आया यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, ये आपकी पोलन ट्यूब होती है। ये पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन आएगा और ये ओवरी के अंदर, ये ओवरी के अंदर ओवम होता है यहाँ पे ये चला जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, ग्रो करेगा अपने आप को, ग्रो करता रहेगा और एक टाइम पे आके क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। इसके ऊपर फिर एक कवरिंग आएगी जो कि फ्रूट बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को, मिल जाना मेल को, मेल सेक्स सेल का फीमेल सेक्स सेल से मिल जाना, इसको ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, याद रखना है ये। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम, सेक्सुअल। ये तो हो गया आपका प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मतलब हम लोगों के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी जो होता है वो समहाउ मतलब बिल्कुल लगभग आपका प्लांट्स का जैसा ही होता है। उनके अंदर पोलन होता है, हमारे अंदर मेल और मेल जो सेक्स सेल होती है वो होती है जिसको बोलते हैं क्या, स्पर्म। स्पर्म कुछ ऐसा दिखाई देता है, स्पर्म को तीन हिस्सों में बांटा गया, हेड, मिड पीस और टेल, ठीक है, मिडल पीस और टेल। जो हेड होता है उसके अंदर जो बाहर वाला जो ये हिस्सा होता है इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं स्पर्म के। बीच में जो हिस्सा होता है इसको हम कॉलर बोलते हैं या फिर मिडिल पीस बोलते हैं। ये क्या कुछ नहीं, बस माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है इसको डायरेक्ट। ओके, उसके बाद में ये होती है, इसको बोलते हैं टेल। टेल मतलब पूंछ। क्या होता है, जब स्पर्म आप फीमेल बॉडी के अंदर जाता है तो इस टेल की मदद से ही मूव करके एग से मिल पाता है। ये टेल क्या करता है, उसको मोशन प्रोवाइड करता है। अब आते हैं, ये तो हो गया मेल के अंदर प्रेजेंट होने वाली सेक्स सेल, ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होने वाली सेक्स सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल के अंदर कौन सी सेक्स सेल प्रेजेंट होती है, ओवम। ओवम के अंदर आपका स्पर्म जाएगा,
तभी जाके बेबी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, टेल की मदद से मूव करता है। अब ओवम और स्पर्म के बारे में पता चल गया, प्रॉब्लम कर देगा, आप इसको स्पर्म डक्ट बोलो, दिस इज योर स्पर्म डक्ट, यू कैन से दिस इज योर स्पर्म डक्ट, ओके। स्पर्म डक्ट होते हैं जिसके थ्रू स्पर्म्स आते हैं, स्पर्म आते हुए इनके कुछ न्यूट्रिशन भी इनको चाहिए होता है, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, आपका सेमिनल वेसल जो होती है उसके अंदर से इसको प्रोटीन कुछ मिनरल्स इनको मिलते हैं, और ये होता है जहाँ पे यूरिन आपका इकट्ठा हुआ होता है, तो यूरिन का और स्पर्म डक्ट का दोनों का इस जगह पे मिलन होता है, दोनों यहाँ पे मिलते हैं, और आपका स्पर्म फिर इस कॉर्पस के थ्रू बाहर आता है, और ये आपका जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वहाँ से बाहर आ जाता है। इस तरीके से स्पर्म आपका बाहर आ गया। इसके बाद में ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मतलब के वजाइना के अंदर जाता है। वजाइना के अंदर ये स्पर्म गया। अब वजाइना के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जो ये पार्ट होता है इसको वजाइना बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, जो ये ओपनिंग होती है वजाइना की। उसके बाद में आपका जो ये आप ट्यूब देख रहे हो इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये दोनों ट्यूब्स को फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये आपकी ओवरी होती है जहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके। अब क्या होगा, एग्स प्रोड्यूस होंगे और एग्स यहाँ पे आएंगे। स्पर्म इतनी स्पीड से आता है कि ये यहाँ पे नहीं रुकता, ये सीधा कहाँ चला जाता है, ओवरी के पास में। अब ये किस तरीके से वो दोनों मिलते हैं ये हम देखते हैं। अब देखिए कैसे मिलते हैं, ये कुछ ऐसे मिलते हैं। स्पर्म आपका यहाँ पे था, स्पर्म आया आपका यहाँ पे, और ओवम ये है, ये ओवम है, ये स्पर्म है, दोनों मिल गए। मिलने के बाद में ये कुछ इस तरीके से बन गए। इनका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये बन गए, पहले गैमेट्स थे, अब बन गए ये जाइगोट। दोनों मिल जाते हैं तो जाइगोट। अब टाइम के साथ साथ ये अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले दिन दो सेल बनेंगी, दूसरे दिन तीन सेल, चार सेल, फिर मल्टीप्लाई होंगे 16 सेल, इस तरीके से 7 डे आते आते ये यूट्रस में आके जम जाते हैं। यूट्रस में आके एक जगह जम जाते हैं जिस जगह को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जहाँ से बच्चे को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और उस जहाँ जब आके जमते हैं उस कंडीशन को एम्ब्रियो बोलते हैं, EMBRYO, एम्ब्रियो, रिमेंबर दिस, एम्ब्रियो। उसके बाद बेबी क्या होता है, डेवलप होता है, और 2-3 महीने के बाद में बेबी के हाथ पैर विजिबल होने लग जाते हैं, उसके बॉडी के पार्ट्स विजिबल होने लग जाते हैं। उस कंडीशन में बेबी को बोला जाता है क्या, फीटस। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आई हैं। पहली चीज़ आई है क्या, फर्टिलाइजेशन। आपको पता है फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल सेल का मिल जाना। उसके बाद दूसरी चीज़ आई है जाइगोट, याद रखना जाइगोट क्या होता है, अभी समझाऊंगा डिटेल में। उसके बाद दूसरी चीज आई है आपकी एम्ब्रियो, उसके बाद तीसरी चीज मैंने आपको बोली फीटस। तो तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है ये आपको देखना है। जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो पहली चीज बनती है वो होती है जाइगोट, मतलब जब मेल फीमेल मिल जाते हैं जाइगोट। उसके बाद में जो यूट्रस में जाके जमा हो जाता है 7 दिन बाद में, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, और जब बेबी के हाथ पैर विजिबल होने लग जाते हैं उसको बोलते हैं फीटस। तो फीटस के बाद सीधा बेबी प्रोड्यूस हो जाता है 9 मंथ के बाद। तो इस तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन होके बेबी प्रोड्यूस होता है, ओके। अब बात कर लेते हैं आपके सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर एक सेक्सुअल साइकिल होती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है, जिसको पीरियड्स भी बोलते हैं। पीरियड्स में क्या होता है कि जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल की जो ओवरीज होती हैं, वो हर 28 डेज में एग्स को प्रोड्यूस करती हैं। अगर उन्हें स्पर्म ना मिले तो वो अपनी एग्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। तो उसी साइकिल को, हर 20 डेज में आने वाली उस साइकिल को ही हम बोलते हैं पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन। और ये स्टार्ट कब होती है, ये स्टार्ट होती है 12 या 14 साल के बीच में, और ख़त्म कब होती है, ये ऑलमोस्ट 45-55 के बीच में होती है। तो ये वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में ये बाहर निकलते हैं एग्स आपके। तो ये 28 डेज के अंदर साइकिल होती है, इसको ही हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। याद रखना है क्यों होती है, मान लीजिए ये आपका फीमेल बॉडी ऑर्गन है, ये आपकी ओवरी है, ये आपकी ओवरी है, और यहाँ से ओवम निकलेगा, यहाँ से ओवम निकलेगा। अगर इसको स्पर्म नहीं मिला तो 28 डेज के बाद में ये जो आपके यूट्रस के जो लाइनिंग है उसके साथ में टूट के बाहर निकलने लग जाएगा वजाइना के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। आपको याद रखना है कि ओवरी ओवम प्रोड्यूस करती है,
12 साल के बाद में हर फीमेल बॉडी के अंदर अगर उसको स्पर्म ना मिले तो वो बाहर निकल जाता है ब्लड के साथ में। इसी साइकिल को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, हर 28 डेज में होता है, रिमेंबर दिस। उसके बाद में होता है आपका, दो टर्म्स होती हैं जिनको आपको याद रखना है, एक होता है मेनार्क, एक होता है मेनोपॉज। मेनार्क का मतलब होता है एक ऐसा ईयर, एक ऐसी एज फीमेल की जब वो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है या फिर उसके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि होती है आपकी 12 ईयर्स। ओके, 12 ईयर के जो कोई गर्ल होती है उसको जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं उसको बोलते हैं मेनार्क, मतलब स्टार्ट हो जाना। और ऐसा किसी भी फीमेल बॉडी का ऐसा टाइम जब वो उसके पीरियड्स आना या फिर शी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबी, शी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम्स, तो उस टाइम को बोलते हैं क्या, मेनोपॉज। तो वो होता है ऑलमोस्ट 50 ईयर या 45 ईयर्स। तो याद रखना है 12 ईयर मेनार्क होता है फीमेल का, 50 या 45 ईयर मेनोपॉज होता है जब ओवम प्रोड्यूस होना बंद कर देती है। इसके बाद में क्या होता है, देखिए अगर आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बर्थ कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम किस किस तरीके से बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं कि बेबी प्रोड्यूस ना हो, तो पहला तरीका होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है, बैरियर मतलब होता है कि जो आपका स्पर्म है अगर उसको मैं ओवम से मिलने ही ना दूँ, तो पहला ये मेथड हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ द कंडोम्स। ओके, आप कंडोम यूज़ करके आप बैरियर क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो जब आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके लिए अगर अवेलेबल ही नहीं होगा आपका स्पर्म, तो ओवम से ये मिलेगा नहीं और बेबी प्रोड्यूस होगा नहीं। तो इस तरीके से पहले मेथड से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, केमिकल मेथड का मतलब होता है आप पिल्स ले सकते हो, मतलब कि अगर आपको पता है कि स्पर्म अगर ओवम से मिल चुका है तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पिल्स आती हैं, आप उनको पिल्स से भी रोक सकते हो, यू कैन कंट्रोल इट बाय द पिल्स। फिर थर्ड मेथड आता है आपका तीसरा जो मेथड आता है IUCD, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिनसेप्टिव डिवाइस, जिसको हम कॉपर टी भी बोलते हैं। ठीक है, कॉपर टी लुक लाइक दिस, ये ऐसा दिखाई देता है जिसको कॉपर टी बोलते हैं, की टी की शेप में होने की वजह से। इसको क्या किया जाता है, इसको फीमेल के वजाइना के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। इसके यहाँ पे एक कॉपर का क्या होता है, तार होता है, वायर होता है, जो कि स्पर्म जब आते हैं तो वो स्पर्म को क्या कर देता है, ये कॉपर इसकी पावर को ख़त्म कर देता है, या बोल दो इसकी फर्टिलाइजेशन को ख़त्म कर देता है। तो कॉपर टी इज़ ऑल्सो अ मेथड जिसके वजह से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा मेथड होता है सर्जिकल मेथड। अब देखो क्या होता है, सर्जिकल मेथड मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। ट्यूबेक्टॉमी जो कि आपका मेल्स में होता है, और वैस्कटॉमी जो कि आपका फीमेल्स में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्पर्म डक्ट होती है, स्पर्म डक्ट हमने देखी थी, उसको काट के बांध दिया जाता है। ठीक है, तो स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और फीमेल के अंदर अगर आपको करना है सर्जिकल मेथड, तो आपकी जो ओवरी है और जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट के उसको भी बांध दिया जाता है इस तरीके से। तो दिस इज़ कॉल्ड द सर्जिकल मेथड। तो याद रखना है ये मेथड है जिससे आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से स्प्रेड होती हैं, जैसे एड्स हो गया, सिप्लिस हो गया, ओके, गोनोरिया हो गया। तो ये आपकी डिजीजेज हैं जो कि आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो दिस वॉज द कम्प्लीट चैप्टर। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, और शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। लाइक भी करना है।